हेलो ट्रेडर्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज जिस चीज पर हम लोग बात करने वाले हैं वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ज्यादा इजी बना देगी। क्योंकि यहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग करो या इंट्राडे ट्रेडिंग करो, इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अपना चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखो बेसिकली हमको ट्रेड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ट्रेड करना चाहता है तो वो क्या करेगा, मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, बाइंग और सेलिंग करनी होती है। हर बंदे को बाइंग और सेलिंग करनी होती है, करेक्ट। हम बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, ठीक। सबसे बड़ी चीज ये आती है कि हमको बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। अगर ये चीज पता लग जाए तो ट्रेडिंग ईजी हो गई। तो बचा क्या, टारगेट बचा, स्टॉप लॉस बचा। वो तो मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। तो बेसिकली हमको आज की वीडियो में जानना क्या है कि हमको बाइंग कहाँ करनी है, सेलिंग कहाँ करनी है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट जानने से पहले हमको ये सीखना होगा कि ये मार्केट का जो मूवमेंट है इसको किस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाइंग सेलिंग तो तभी कर पाएंगे जब हमको इसका मूवमेंट पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्केट है, हमको इसका मूवमेंट पता लगेगा कब ये नीचे जाएगा कब ऊपर जाएगा, तभी तो हम इसमें बाइंग सेलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर कहीं भी ले लोगे तो लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इस डेटा को अच्छी तरीके से ट्रैक करने के लिए, इस डेटा को पूरी तरीके से ट्रैक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिबोनाकी रिट्रेसमेंट। ये आपने कई बार सुना होगा। अब फिबोनाकी रिट्रेसमेंट क्या होता है तो उसके ऊपर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो फिबोनाकी रिट्रेसमेंट करके, तो आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पूरा आप कॉन्सेप्ट इसका विकिपीडिया पढ़ लेना, ठीक है, ये क्या है, किसने डिस्कवर की है, तो ये सब आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हो। बेसिकली आज मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जो इस ट्रेडिंग जर्नी में आपको हेल्प करेगी, जो आपको इस डेटा को ट्रैक करने में मदद करेगी। आपको ये बताएगी कि आपको बाइंग और सेलिंग कहाँ परफॉर्म करनी है, आपको ये बताएगी कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो क्या है, ठीक है। तो बेसिकली देखो होता क्या है, जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है तो आप देखते हो कि मार्केट ऊपर गया, यहां आता है, यहां से एक थ्रोबैक लेता है मार्केट। देखते हो इतना यहां से यहां तक क्यों आया, जब एक अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये क्यों आया, इसको हम एक स्विंग भी बोलते हैं। जब ये पूरा बन जाता है तो ये एक स्विंग बन गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा थ्रो बैक लेता है। तो बेसिकली हमको ये सारी चीजों को कैप्चर करना। अब देखो आपने ये तो सुना होगा कि मार्केट कभी भी फ्लैट नहीं मूव करता, मतलब इस तरीके से डायरेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं करता, मार्केट हमेशा इस तरीके से स्विंग बनाता हुआ मूव करता है, करेक्ट, ये बात आपने सुनी है। बट अगर सोचो हमको ये स्विंग पता लग जाए कि ये कितना नीचे आने वाला है और कहां से ये दोबारा से अपवर्ड मूव करेगा तो बहुत इजी हो जाएगा। यही चीज को सिंपल करता है हमारा फिबोनाकी सीरीज। अब आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जब जाओगे तो आपको यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाले नंबर पर क्लिक करोगे तो यहां आपको सबसे पहले नंबर पर देखने को मिल जाएगा फिबोनाकी रिट्रेसमेंट। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं फिबोनाकी रिट्रेसमेंट होता क्या है। देखो थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ऐसे देखो। अब इसमें कुछ नंबर्स हैं, रिमूव ड्रॉइंग्स कर देता हूं, मैं दोबारा से लगाता हूं, थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो पाएगा हमको, ठीक है। अब इसमें कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे आपको, जैसे 0.236, 0.382, 0.5, 0.618। इन नंबर्स का क्या यूज है और इनमें से कितने नंबर्स पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि ये तो बहुत सारे नंबर दिख रहे होंगे, वन भी दिख रहा होगा ऊपर, इतने सारे नंबर नहीं। देखो हमको बहुत कम नंबर्स पे फोकस करना है, किन किन पे करना है वो आपको समझाता हूं। देखो आपको जो फोकस देना है वो है 0.236 लेवल, ठीक है, ध्यान से सुनना, 0.382 लेवल एंड अ 0.5 लेवल। अब 0.5 लेवल देख रहे हो, 0.5 ये एक फिबोनाकी नंबर नहीं है, ये फिबोनाकी लेवल नहीं है। फिबोनाकी लेवल है 0.786, 0.618, 0.382 एंड 0.236, ठीक है। ध्यान से समझो कैसे क्या काम कर रहा है ये। 0.5 जो है वो एक ट्रेडर्स का साइकोलॉजिकल लेवल है, 0.5 बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए इसको यहां पर ऐड किया गया है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं और मैं अपनी बात करता हूं तो मैं भी 0.5 को ही सबसे ज्यादा प्रिफरेंस देता हूं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, सारी चीज समझा दिया, कौन कौन से नंबर्स पे ध्यान देना है। अब मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट में हमको यूज किस तरीके से करना है। तो देखो सबसे पहले समझो इस तरीके से। अब जैसे आपको ये मार्केट दिख रहा है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है, ओके। और वनडे के टाइम फ्रेम पर लगा रखा है। अब वनडे का टाइम फ्रेम यूज करता हूं मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो अब देखो फिलहाल मैं आपको बताता हूं स्विंग ट्रेडिंग का, बाकी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी मैं आपको बता दूंगा इसको किस टाइम फ्रेम पर यूज करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और किस टाइम फ्रेम पर यूज करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये सारी चीज बताऊंगा, ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहो।
अब क्या है, आपको यहां दिख रहा होगा मार्केट कैसे मोमेंटम ले रहा है। देखो ध्यान से समझो, ये मार्केट ऊपर गया, ये रहा थ्रोबैक, ठीक है, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा रुकता, रिट्रेस, इसको हम रिट्रेस भी बोल सकते हैं कि रिट्रेस कर रहा है या थ्रोबैक कर रहा है, ये भी बोल सकते हो। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, ये देखो रिट्रेस किया मार्केट ने, फिर ऊपर जाता है, इसी तरीके से मार्केट मोमेंटम लेता है। अब जैसे यहां से अगर हम बनाते हैं यहां से ऊपर से, तो देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, थोड़ा रुका, रिट्रेस किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ी देर रिट्रेसमेंट करता है, रुकता है, उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो मोमेंटम मार्केट का इसी तरीके से काम करता है, मार्केट चलता है, रिट्रेसमेंट लेता है, फिर चलता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है, इस तरीके से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है, ठीक है। मार्केट कभी भी वन डायरेक्शनल मूव नहीं करता। आप किसी भी स्टॉक में ये चीज नहीं दिखा पाएंगे कि मार्केट ने इस तरीके से मोमेंटम लिया है, मतलब मार्केट चलता ही चला जा रहा, रुक नहीं रहा कहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कई बार आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा मूवमेंट कभी कभी देखने को मिल जाता है, जब मार्केट सुपर बुलिश मूवमेंट में चले जाता है, बट ऐसा जनरली नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी आपको दिख गया, वो एक अलग बात है, वो भी कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको दिख सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, बाकी ऐसा जनरली नहीं होता है, ठीक है। अब आपको यह समझ में आ गया कि मार्केट मोमेंटम कैसे करता है, ठीक है। अब मैंने आपको शुरुआत में यह कहा था कि हम कैप्चर करेंगे कि कहां हमें बाइंग और सेलिंग परफॉर्म करनी, करेक्ट। अब देखो बेसिकली आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर प्राइस एक्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, मेरे चैनल पर भर भर के पड़ी है, इस वीडियो में भी समझो, अगर आपने और वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो वीडियो जाके, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में आप समझो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, वो चीज मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। देखो क्या है, पहले हम लोग ये वाला मोमेंटम कैप्चर करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला मोमेंटम, ठीक है। अब इस मोमेंटम में हम किस तरीके से ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पहले तो वो समझो। देखो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जितना मुझे समझ आ रहा है या दिख रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो आपके सामने पूरा चार्ट खुला हुआ है, क्या आपको यहां पर कोई कुछ चीज भी नजर आ रही है, कुछ भी प्राइस एक्शन को समझ में आ रहा है यहां पर? हो सकता है कुछ लोगों को आ रहा हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भी आ रहा हो। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसके लिए मैं यहां पर कर्व सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद दोबारा से एक क्लिक यहां होगा मेरा इस कोने पर, दूसरा क्लिक होगा इस कोने पर, बीच में यहां पर जाऊंगा मैं, इसको इस तरीके से पकड़ लूंगा, ठीक है। अब आपको समझ आ रही होंगी चीजें, ये आपका एक कप बन गया। एंड आपने कई बार पढ़ा होगा, मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बताया है कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में, पढ़ा है आप लोगों ने, मैंने अपनी वीडियोस में भी कई बार बता रखा है कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। यहां पर आपको कप एंड हैंडल पैटर्न इजीली बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये है हमारा प्राइस एक्शन, ठीक है। अब कप एंड हैंडल के हिसाब से हमको यहां ट्रेड लेना चाहिए रेड कैंडल पे, बट और भी तो कोई कंफर्मेशन हो यहां पर, तो यहीं पर काम आएगा हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि हमने यहां से सेलेक्ट किया था, मैंने इसको फेवरेट में डाल रखा है, यहां पर दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, मैं आपके सामने यहां से सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहां से मार्केट डाउनफॉल शुरू हुआ है, यहां से मार्केट का डाउनफॉल शुरू हुआ है, ये यहां से मत देखो, कप एंड हैंडल पैटर्न ये प्राइस एक्शन का पार्ट हो गया, यहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, मतलब यहां से डाउनफॉल शुरू हुआ है, तो यहां पर क्लिक करो सिंगल क्लिक, और जहां तक गया है, मतलब जहां से रिट्रेसमेंट शुरू हुआ है, अब जैसे समझाता हूं आपको एक सेकेंड, जैसे मार्केट यहां से नीचे आया, ठीक है, उसके बाद इस मोमेंट पे आके रिट्रेस हुआ है इतना, फिर नीचे गया, करेक्ट, यही था, ठीक है। अब देखो ध्यान से हुआ क्या, मार्केट ने जब यहां तक आया, रिट्रेस लिया, तो हमने क्या किया, अपना लगा लिया फिबोनाची रिट्रेस, कहां से, टॉप वाले पॉइंट से लेकर के यहां तक, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपको चीज दिख रही होगी, एक तो हमारा प्राइस एक्शन हो गया, दूसरा कंफर्मेशन फिबोनाची देगा, कैसे देगा, ऊपर से नीचे तक लगाया, मैंने आपको तीन पॉइंट्स याद रखने को कहा था, 0.236, 0.382 एंड 0.5, करेक्ट, याद है आपको। अब देखो इन तीनों पॉइंट पर कहां रिट्रेसमेंट आया, 0.236 से नहीं आया, 0.382 पर दिख रहा होगा आपको, ये रहा 0.382 लेवल, और यहीं पर आके मार्केट ने रिवर्सल लिया है, आप देख पा रहे हो, रिट्रेस हुआ और मार्केट 0.382 से वापस जाने लगा। तो कई सारे लोग क्या करेंगे, उनकी स्ट्रेटजी यहां पर भी एप्लीकेबल होगी, वो यहां पर एंट्री कर लेंगे रेड कैंडल के नीचे, बट हम क्या करेंगे, पूरा प्योर प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे, जो बना है ये कप एंड हैंडल, इसका ब्रेकआउट होगा, पहला कंफर्मेशन, दूसरा फिबोनाची मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस रेड कैंडल पर ट्रेड ले सकते हैं, और क्योंकि वन डे का टाइम फ्रेम है, तो इस कैंडल के ही जस्ट ऊपर हमारा एसएल हो जाएगा, और लगभग लगभग ये वाली लेवल्स लेंगे,
ये वाला जो हमारा सपोर्ट बना हुआ है काफी टाइम से, ये लेवल्स, ये वाला होगा हमारा टारगेट, ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद अगला सपोर्ट देखो कहां पर है, अगला सपोर्ट ये है, मैं इसी लेवल को थोड़ा सा नीचे तक ले आता हूं, यहां ये लेवल है, तो हम अपना टारगेट को भी नीचे ले आएंगे इस लेवल तक। तो हम लोग 1:2 आई थिंक 4.24 बहुत ही कम दिनों में अचीव कर लेते हैं, लगभग 1, 2, 3, 4 दिनों के अंदर अचीव कर लेते हैं अपना ये टारगेट। बट इसमें बेसिकली है क्या, आप लोग को जो टारगेट लेना है वो आप अपने तरीके से सेट करोगे कि आप कितना ले सकते हो, बट मेरा जो टारगेट सेट करने का क्राइटेरिया है वो इसी तरीके से मैं करता हूं, जो भी रिसेंट में मुझे सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखता है वो मेरा टारगेट होता है। तो इस तरीके से मेरा टारगेट ये होगा, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मैं रुक सकता हूं तो ये लेवल्स, इसके नीचे मैं नहीं रुकने वाला। अब उसके बाद तो बहुत नीचे, बहुत नीचे, तो ये काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहां तक वेट करूंगा और अपना थोड़ा सा टारगेट लेकर कुछ दिनों के अंदर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करनी है, इस तरीके से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत अच्छा टूल है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, यहां से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मदद से आप गलत ट्रेड में फंसने से बच सकते हो, आपका पैसा डूबने से बच सकता है। बाकी इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को जरूर प्लीज ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वाली वीडियो जो मैंने आज बनाई है फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझ में आया है थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज लाइक करके जाना, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप डिसलाइक करके जाना, उससे मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलो मिलता हूं आपसे अगली किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।